हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाइका पिंक फ्राइडे सेल था अभी कुछ दिनों पहले, उस पर मैंने रिकमेंडेशन वीडियो भी बनाया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उस सेल में मैंने अपने लिए क्या क्या परचेज किया है। जब कुछ परचेज करो एंड जब तक अपने फ्रेंड्स को ना दिखाओ तब तक तो मजा ही नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ भी ऐसा होता होगा क्योंकि गर्ल्स लाइक दिस। सो मैंने अपने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे भी पूछा था कि इफ यू इंटरेस्टेड टू नो कि मैंने सेल में क्या क्या परचेज किया। सो आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हो कि हाँ दी प्लीज क्यों नहीं दिखाओगे, मुझे बहुत मजा आएगा देखने में। तो गाइज, मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आएगा आप लोगों के साथ शेयर करने में, तो इसलिए आज का वीडियो मैंने आज बनाया है। ये सारी चीजें जो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ सारे मैंने खुद के पैसे से लिए, कोई पीआर वीआर नहीं है मेरा एंड कुछ भेजा नहीं ज्यादा मुझे, सारे मैं खुद से खरीदती हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो गाइज, ये है वो डब्बा जिसमें सारी चीजें आई हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पैक होके आई थी एंड कुछ भी चीज डैमेज नहीं हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं खोलती हूँ एंड एक एक करके आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। जो सबसे पहली चीज मैंने ऑर्डर की है वो है लैक्मे का प्राइमर। ये पहले भी मेरे पास था मगर ये खत्म हो गया था एंड मुझे ये बहुत ज्यादा प्यारा है इसलिए मैंने इसे फिर से ऑर्डर किया है। दिस इज लैक्मे ब्लर इफेक्ट प्राइमर। जैसा कि आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग, काफी बार मैंने ये यूज किया है अपने मेकअप वीडियोज में एंड बहुत बार रिकमेंड भी किया है अपने बिगिनर्स किट में। अगर आप बिगिनर हो, बिगिनर नहीं हो या फिर आप ढूंढ रहे हो एक अच्छा प्राइमर, गो फॉर दिस गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जो दूसरी चीज मैंने ऑर्डर की है वो भी मेरा सेकंड परचेज है एंड ये मेरा फेवरेट फाउंडेशन है। यस यू आर राइट, दिस इज मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारा है। माय गॉड, इसके बिना तो मैं नहीं रह सकती। अगर मेकअप की बात आ गए तो मतलब एक चीज अगर मुझे कोई मेकअप में बोला जाए रखने को तो मैं ये वाला रखूंगी, बहुत ज्यादा अच्छा है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें कि इस बार ये आया है एक पंप के साथ। तो हमेशा मैं सोचती थी कि यार इसको खोलो एंड फिर हाथ में डालो एंड कभी ज्यादा निकल जाए तो फिर उसको लो एंड दैट वाज रियली नॉट गुड। बट अभी जो आया है ना ये पंप के साथ है एंड ये बहुत ही इजीली अप्लाई होगा आपके स्किन में। आपको जितना चाहिए आप उतना अपने पंप से निकालो एंड बना, ट्रस्ट में आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड रहेगी अगर आप ये वाला फाउंडेशन ले लेते हो। उसके बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन है एंड मेरा शेड है इसमें 128 वार्म न्यू। यहाँ पे लिखा हुआ है इसका शेड, आप देख सकते हो। तीसरी चीज जो मैंने ऑर्डर की है एंड जो मैंने फिर से ऑर्डर की है, पक्का ये लास्ट चीज है, इसके बाद सारी चीज मैंने न्यू ऑर्डर की है। ये लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैंने फिर से ऑर्डर की है वो है ये बायोटेक का बायो कैरेट मॉइस्चराइजर। ठंड के टाइम का ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, मेरे पास ऑलरेडी था मगर क्योंकि इसमें 35% ऑफ चल रहा था एंड ठंड तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी काफी लंबा चलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने ये परचेज नहीं किया है तो कर लो, बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉइस्चराइजर है एंड या वन ऑफ माई फेवरेट मॉइस्चराइजर। अब चलते हैं कुछ न्यू प्रोडक्ट्स के पास जो मैंने फर्स्ट टाइम परचेज की है एंड दिस इज लॉरियल इनफॉलिबल फुल वेयर कंसीलर। ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेज की है, आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग ऐसी है। मेरा शेड है इसमें एम्बर 312। यस, एम्बर 312। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहेगा इसका शेड नेम, बहुत छोटा सा लिखा हुआ, आई डोंट नो इफ यू कैन रीड। तो इसमें ज्यादा शेड्स नहीं है गाइस, इसमें सिर्फ 3 शेड्स है तो एक तरह से थोड़ा सॉर्टेड रहता है अगर कम शेड्स रहेंगे तो। 3 शेड है, ये है एम्बर, इससे फिर एक मीडियम शेड है, फिर इससे एक डार्क शेड है। तो अकॉर्डिंगली आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। आज मैंने इसे फर्स्ट टाइम यूज किया एंड आई मस्ट से आई एम रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि कंसीलर में जल्दी इंप्रेस नहीं हो पाती हूँ मैं, क्योंकि या तो केकी हो जाता है या तो वो ठीक से ब्लेंड नहीं होता है कुछ कुछ। मेरा सबसे फेवरेट कंसीलर था एले गर्ल प्रो कंसीलर, बट उसके बाद जो मैंने सबसे अच्छा आज तक कंसीलर लगाया वो ये है, ट्रस्ट मी। ये मुझे 50% ऑफ में मिला था, इसकी प्राइस है 799 रुपीज, बट 50% ऑफ में मुझे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल गया था तो मैंने सोचा कि खरीद लेते हैं, क्योंकि वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा यू नो अफोर्डेबल नहीं रहता। बट अभी भी आप देख सकते हो इस पर 35% ऑफ है, जैसा कि अभी मैं देख सकती हूँ। लॉरियल पे जनरली डिस्काउंट रहता है नाइका पे, तो अगर आप एक ट्रैक कर सकते हो उसको तो जब भी डिस्काउंट में आए आप परचेस कर लेना, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे ये। अगर आप कंसीलर ढूंढ रहे हो एक अच्छा तो आई विल रिकमेंड यू दिस। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे ब्लश लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये 2 ब्लश खरीदे हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि ब्लश पे आप इन्वेस्ट किया करो, अच्छे ब्लश पे जिसपे शिमर पार्टिकल्स ना हो एंड जो थोड़ा लंबे टाइम तक भी रहे। मेबलिन में जो मेरा शेड है वो है पिंक, यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो, इस जगह में लिखा रहेगा शेड नेम एंड ये है इसकी पैकेजिंग। गैस, अगर आप ढूंढ रहे हो एक पिंक ब्लश जो यू नो बहुत नेचुरल सा फिनिश दे आपको, जैसे कि आप देख सकते हो इसका कलर काफी सटल सा पिंक है, एवरीडे के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने आज भी लगाया हुआ है अपने चीक्स पे, बहुत ही लाइट हैंड से लगाया, बहुत ज्यादा नहीं लगाया है, बट
बिल्कुल भी शिमर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत ही सटल सा पिंक है। अगर आप डेली वेयर में भी इसे यूज करोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, डे टाइम में आप यूज कर सकते हो, इसे काफी ज्यादा अच्छा है। मैं आपको हाथ में वैसे लगा के तो दिखा सकती हूँ, बट आई डोंट नो कि आपको दिखेगा या नहीं, क्योंकि हाथ में ब्लश का जो पिगमेंटेशन है वो दिखाना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट यू कैन सी हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये एकदम प्यारा सा बेबी पिंक है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हाथ में नहीं दिख रहा होगा गाइस आपको, लेकिन आप चीक में देख सकते हो। एंड आने वाले मैं मेकअप वीडियोस में भी इसे यूज करूंगी, वहां पे आप देख सकते हो। मेरी मानो अगर आप पिंक कलर का ब्लश ढूंढ रहे हो अपने लिए तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो जनरली इस वाले ब्लश में कभी ऑफ नहीं रहता था, बट पिंक फ्राइडे सेल में पहली बार मुझे ये ऑफ में मिला है, ये मेबेलिन फिट मी का ब्लश। जनरली नहीं रहता है, तो जब भी आपको ये ऑफ में मिले और अगर आपको खरीदना है ये, तो बिल्कुल जितना भी ऑफ रहे उतना खरीद लो, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, ट्रस्ट मी गाइस, कभी ऑफ नहीं रहता है। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 440 rupees एंड मुझे ये मिला था 330 में, जैसे ही दिखा था मैंने तुरंत ही ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा अच्छा है, काफी पिगमेंटेड है एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस। नेक्स्ट जो ब्लश है मैं उसके बारे में बात करती हूँ, ये है कलर बार का चीक इल्यूजन ब्लश एंड इसमें मेरा जो शेड है वो है स्वीट स्कारलेट। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो कुछ इस तरह की है। तो अभी तक ट्रस्ट में मैंने इसे यूज नहीं किया है बहुत ज्यादा, ये फर्स्ट टाइम मैं आपको दिखाने के लिए पहली बार मैंने ये निकाला है। आप कलर देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है, रोजी पिंक काइंड ऑफ है, ऐसा कलर मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि गिव इट अ ट्राई, क्योंकि डिस्काउंट में था ऑब्वियसली। एंड वाओ कलर तो यार बड़ा ही प्यारा है, मैंने पहली बार अपने फिंगर्स में ये लगाया एंड यू कैन सी कि कितना प्रिटी सा कलर है, काफी ज्यादा पिगमेंटेड है भाई ये तो। देखो मैंने हाथ में ब्लेंड किया है एंड यू कैन सी, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से ब्लश पे एक वीडियो बनाऊं अपने फेवरेट ब्लश का, या फिर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर ब्रांड का रिव्यू, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो सेपरेटली। और हाँ, इसकी प्राइस थी एक्चुअली 675 rupees, मगर मुझे ये डिस्काउंट में मिला था 473 अराउंड, तो काफी अच्छा डील लगा मुझे, 30% तक का डिस्काउंट था एंड जैसे ही दिखा मैंने तुरंत इस दोनों को परचेस कर लिया। नेक्स्ट जो परचेस किया है मैंने वो है ये दो लिप लाइनर्स, पहला ये थोड़ा सा न्यूडिश कलर है एंड ये थोड़ा सा मॉवी पिंक काइंड ऑफ कलर है। दिस इज फ्रॉम मेबेलिन कलर सेंसेशनल एंड काफी न्यूड सा कलर है जैसा कि आप देख सकते हो। इसकी ओरिजिनल प्राइस है 350, मगर ये मुझे डिस्काउंट में कुछ 250 अराउंड मिला था, तो मैंने तुरंत इसको परचेस कर लिया, क्योंकि मेबेलिन के सारे प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा यू नो लिप में बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता, ड्राई आउट नहीं करता आपके लिप्स को। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू लिप लाइनर यू कैन बाय दिस। नेक्स्ट जो लिप लाइनर है ये फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड एंड इसमें मेरा शेड है फैब फ्यूशिया एंड ये थोड़ा सा पिंकिश मॉवी काइंड ऑफ कलर है, तो ये सारे स्किन टोन को सूट करेगा मेरे हिसाब से। इसका मैं आपको हैंड स्वॉच करके दिखा देती हूँ। तो अगर आपके बहुत ड्राई लिप्स है तो आई विल नॉट रिकमेंड यू दिस, मगर अगर बहुत ज्यादा ड्राई लिप्स है तो ही, वरना तो ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा है एंड फॉर द प्राइस काफी ज्यादा अच्छा है। डिस्काउंट के बाद ये मुझे कुछ 120 अराउंड मिला था एंड बहुत ही अच्छा डील था, तो मैंने इसे तुरंत परचेज कर ली। नेक्स्ट मैंने लिया है एक ब्यूटी ब्लेंडर स्पॉन्ज, दिस इज फ्रॉम ब्रॉन्ज़ोन प्रोफेशनल एंड 250 इसकी ओरिजिनल प्राइस है, मगर 150 में मुझे मिला था एंड जैसे मैंने देखा था मैंने ले लिया, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर तो यार हमेशा ही काम आता है। एंड ब्रॉन्ज़ोन एक यू नो थोड़ा सा जाना पहचाना ब्रांड था, तो इसलिए मैंने ये परचेज किया। किसी भी ब्रांड का अगर आप लोगे तो शायद उतना अच्छा ना हो, क्योंकि बहुत हार्ड रहता है एंड उससे फिर यू नो डैप करना अपने स्किन पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट ये वाला जो है बहुत ही प्यारा कलर भी है और जब देखो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है या तो ये मुझे बहुत ही अच्छा डील लगा, तो इसलिए मैंने ये परचेस कर लिया। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आपको पता चल पाए कि इसे कैसे यूज करते हैं, तो प्लीज मुझे बताना, मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगी एंड मैं सोच भी रही हूँ इस पे एक वीडियो बनाने का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढ रहे हो अपने लिए अफोर्डेबल रेंज में तो दिस वन इज गुड। मैं सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो नॉट टू वरी अबाउट दैट। अगर आप चाहो तो वहां पे क्लिक कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने परचेज किया है एक फॉल्स आई लैशेज, दिस इज फ्रॉम पैक, ये नंबर है 05, दिस इज अ टेपर्ड फॉल्सीज, आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है।
एंड अफोर्डेबल रेंज में अगर आप एक फॉल्स लैशेस ढूंढ रहे हो तो आई विल रिकमेंड पैक, बहुत ही ज्यादा अच्छा ब्रांड है क्योंकि काफी लाइट वेट रहते हैं इनके फॉल्स लैशेस एंड बैंड इसकी काफी थिन रहती है तो पता नहीं लगता है कि आपने कुछ वैसा फॉल्स हीज लगाया हुआ है। एंड काफी ज्यादा अफोर्डेबल तो नहीं कहूंगी बट क्योंकि ओरिजिनल प्राइस इसकी 375 रुपीज थी बट मुझे डिस्काउंट में ये कुछ अराउंड 270 और 280 मिला था। बट मुझे ये चाहिए था क्योंकि मेकअप लुक करने के टाइम पे जब मैं फॉल्सेस लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्लस अगर कोई पार्टी फंक्शन है आपके घर में या कुछ आप अलग से कुछ ऐसा लुक चाहते हो, आई को थोड़ा सा यू नो ड्रामेटिक लुक देना चाहते हो तो आप ये परचेस कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। इसमें और भी बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं फॉल्स लैशेस। अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बता दूँ कि ये कैसे यूज कर सकते हो आप, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट मैंने लिया है एक आई लैश ग्लू क्योंकि मैंने आई लैशेस खरीदे थे तो साथ में आई लैश ग्लू तो लेना बनता है क्योंकि मेरे पहले वाला खत्म हो गया था। तो ये मैंने लिया है मिस क्लेयर का एंड इसकी प्राइस है 295 अराउंड एंड ये मुझे डिस्काउंट में कुछ 5-10% ऑफ में मिला था, उससे ज्यादा ऑफ जनरली नहीं रहता है इसमें। एंड इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है व्हाइट कलर का एंड एक आता है ब्लैक जो मैंने लिया है। पहले मैंने व्हाइट लिया था बट व्हाइट क्या होता है कि वो कभी कभी बैंड में ना दिखने लगता है तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ट्राई करती हूँ ये ब्लैक वाला एंड ये अच्छा है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो अपने लिए एक आई लैश ग्लू तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मिस क्लेयर का ये वाला आप ले सकते हो, लिंक मैं आपको नीचे दिख जाएगा आपको, तो टेंशन मत लो, वहां पे आप परचेस कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ब्लैक कलर का है तो आप उसमें लगाते भी हो अगर अपने बैंड में आई मतलब वो जो फॉल्सेस के बैंड में आप लगाते भी हो तो आपको दिखेगा नहीं एंड अच्छा रहेगा। एक चीज जो मैंने परचेज की है एंड वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो है ये कलर बार का स्मोकी काजल एंड इसका शेड है जस्ट मसाला। एंड जैसा कि इसका नाम है जस्ट मसाला वैसे ये लगता भी है इस पे, जब आप इसको लगाओगे तो बिल्कुल पैची सा है, लगता है कुछ मसाला ही है सच्ची वाला बिल्कुल। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी एंड ओरिजिनल प्राइस इसकी मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 675 बट मुझे ये 30% डिस्काउंट में मिला था, थैंक गॉड। अगर मैंने पूरे पैसे लगाए होते तो I would have killed myself. वैसे ही मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत ही घटिया प्रोडक्ट है ये। अगर यू नो मेरा कोई ऐसा वीडियो आए जिसमें प्रोडक्ट्स आई रिग्रेट बाइंग काइंड ऑफ, उसमें ये वाला प्रोडक्ट तो जरूर होगा। मैं दिखाती हूँ आपको इसका एप्लीकेशन किस तरह का है, हैंड में पता नहीं आपको नहीं पता चलेगा, ये बहुत यू नो वैसा काइंड ऑफ कलर है, थोड़ा डार्क बर्गंडी ब्राउनिश काइंड ऑफ कलर है। एंड आप देख सकते हो ये जो पैच आपको दिख रहा है ना ये जाता ही नहीं है, जबकि इसके पीछे एक स्मोकी काइंड ऑफ ब्रश भी दिया हुआ है ताकि आप स्मोक आउट कर पाओ अगर आप लगाए हो तो। बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाइस, आई विल नॉट रिकमेंड यू बाइंग दिस। या नेक्स्ट बहुत ही अच्छा डील मिला मुझे, ये है शीट मास्क एंड दिस इज फ्रॉम फेस शॉप। इसमें तीन के साथ तीन फ्री वाला कुछ ऐसा ऑफर था तो मैंने सोचा जरूर इसे लेना चाहिए क्योंकि विंटर्स का टाइम है एंड हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्किन को। एंड हमेशा मैं शीट मास्क नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे अफोर्डेबल नहीं लगता है, क्योंकि आप एक बार यूज़ करो एंड 100 रुपये गए आपके, मतलब 100 तो मिनिमम बोल रही हूँ उससे ऊपर ही रहते हैं बहुत सारे शीट मास्क। बट ये डील मुझे अच्छा लगा कि तीन आप परचेस करो एंड तीन आपको फ्री मिल जाता है, तो उस तरीके से मुझे ऐसे 6 शीट मास्क मिल गए हैं तो मैं खुद लगाऊंगी, बाकियों को भी लगा दूंगी फैमिली में, तो मुझे यू नो ये सब करना भी अच्छा लगता है तो मैं सबके लिए मंगा लिया मैंने, ये काफी अच्छा डील रहा मेरे लिए। नेक्स्ट मैंने लिया है एक लिपस्टिक, दिस इज फ्रॉम मेबेलिन, दिस इज फ्रॉम देयर पाउडर मैट कलेक्शन रेंज एंड इसमें मेरा शेड है टोस्टेड ब्राउन एंड काफ़ी ज़्यादा सुना था मैंने इस कलर के बारे में इसलिए मैंने ये लिया है, बट अनफॉर्चुनेटली ये जैसे ही मैंने खोला एंड ये टूट गया मेरे सामने ही, बट कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड क्योंकि यहाँ आने के बाद टूटा तो मैं इसे वापस भी नहीं कर सकती थी तो अब मुझे रखना पड़ेगा इसे। एंड मैं देखती हूँ इसे मैं ब्रश वगैरह से यूज़ करूँगी। इसका कलर मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर, सी द कलर गाइस, काफी ज्यादा ब्राउनिश काइंड ऑफ कलर है, न्यूड कलर है तो स्मोकी आई वगैरह के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देख सकते हो कि ये टूट गया है, मैं ऐसे अगर करूंगी तो ये सारा निकल जाएगा अब तो। एनीवेज या लिपस्टिक अच्छी थी, कलर अच्छा है, आई विल हाईली रिकमेंड यू दिस। मुझे ये मिला था 30% ऑफ में, या 30% ऑफ में मिला था मुझे एंड अभी भी आज भी मैं देख रही थी तो इनफैक्ट इस पे 35% ऑफ था, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो
इस वाले लिपस्टिक में जनरली ऑफ रहता है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें और भी काफी अच्छे अच्छे शेड्स है, एलमंड पिंक भी इसमें से मेरा एक बहुत फेवरेट कलर है जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। एंड दिस वन इज टोस्टेड ब्राउन। नेक्स्ट मैंने लिया है एक आईलाइनर, दिस इज फ्रॉम लैक्मी, ये इनका जिलाटो कलेक्शन है। एंड इसमें सारे जो कलर्स है काफी वाइब्रेंट है, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, बट मुझे लगा कि पर्पल थोड़ा सा सटल कलर है, वो आईज पे अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये परचेज किया है। ये 50% ऑफ में था तो मैंने तुरंत परचेज कर लिया। एंड आजकल मैं देख रही हूँ ये काफी टाइम से ये 50% ऑफ पे चल रहा है, क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्राइस है 800 रुपीज एंड अभी भी ये 37% ऑफ में तो आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला यहाँ पे, बट आपको ये हमेशा 50% ऑफ तक में जनरली आपको मिल जाता है। इसका कलर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जब भी आपको अगर ये 50% ऑफ में मिले ना तो आप ये परचेज कर सकते हो। सी, काफी बटरी काइंड ऑफ फिनिश है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफी बटरी फिनिश है एंड काफी ब्यूटीफुल लगता है आईज पे। मैंने इसे लगाया है कुछ 2-3 बार मैंने लगाया है एंड काफी लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है एंड बहुत प्रिटी लगता है। इसमें और भी सारे बहुत कलर्स हैं एंड सारे बहुत अच्छे हैं, आप अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंड अपने आपको जो भी कलर पसंद है, अगर आप वाइब्रेंट कलर्स आपको अच्छे लगते हैं तो आप जरूर ये परचेज कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। जो लास्ट चीज मैंने परचेज की है वो है ये हिमालय का मेकअप रिमूविंग वाइप्स एंड ये सेट में था ये दोनों, तो ये दोनों मैंने परचेज कर लिया क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा काम पड़ता है इसका। एंड मेकअप लगा के तो कभी भी मत सोना, खास करके ठंड के टाइम में क्या होता है कि मेकअप लगा रहता है एंड क्योंकि हम थोड़े आलसी हो जाते हैं कि ठंडा पानी कौन फेस में डालेगा, तो अगर आप वैसे आलसी किस्म के इंसान हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि ये वाला आप मेकअप रिमूविंग वाइप्स खरीद सकते हो। इसको आप बस वाइप कर लोगे एंड आपका मेकअप सारा रिमूव हो जाएगा एंड फिर आप आराम से सो सकते हो। एलोवेरा है इसके अंदर तो हाइड्रेटिंग रहता है काफी। इस एक पैक में आपको 25 वाइप्स आते हैं एंड उसकी प्राइस है 100 रुपीज, बट मुझे डिस्काउंट में कुछ 75 या 80 अराउंड कुछ पड़ा था ये एक, तो या ये अच्छा डील था मेरे लिए तो मैंने ये परचेज कर लिया। सो ये था मेरा नायका पिंक फ्राइडे सेल मेकअप हॉल वाला वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी आप बता सकते हो। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।